नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट। तो इसी चीज़ को हम एक और मेथड से डिस्कस करते हैं। फील्ड ड्यू टू इन यूनिफॉर्मली चार्ज इन फाइनाइट प्लेन थिक शीट। एक बार थिक शीट डिस्कस करेंगे, फिर थिन शीट। जो बुक का केस है वो थिन शीट का है, बट अभी हम लोग थिक शीट डिस्कस कर रहे हैं। थिक शीट भी पूछा जाता है, सो थिक शीट के बारे में हम पता कर रहे हैं। नाउ लेट अस टेक ए थिक शीट। तो हमने एक थिक शीट ले ली है, और जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और दोनों सरफेस पे डिफरेंट चार्जेस हैं। और हम वी है पता करना चाहते हैं कि इससे आर डिस्टेंस पर कितनी फील्ड है। तो इसमें डिफरेंट एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो दीज आर द डिफरेंट एक्सिस। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और इस तरफ लेंगे तो जेड एक्सिस। ऐसे हमने ले लिया, ऐसा ही बुक में भी लिया गया है। सो एक्स वाई जेड है। अब हमें इससे कुछ डिस्टेंस पर फील्ड चाहिए। मान लीजिए हमको यहाँ से आर डिस्टेंस पर फील्ड चाहिए। तो अगर आर डिस्टेंस पर फील्ड चाहिए तो हमें क्या करना होगा? एक इस तरीके का हाइपोथेटिकल और इधर भी ऐसे ही एनवेलप बनाना होगा। तो बुक क्यूबॉइड बना रही है, तो मैं भी आपको क्यूबॉइड बना के ही दे दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको इसमें से पास होती हुई एक क्लोज्ड सरफेस ले ली है, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर है और इधर भी आर डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक ये आर डिस्टेंस है। अच्छा, तो इसकी टोटल डिस्टेंस 2R हो गई, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम ए ले लेते हैं। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए ले लिया, तो इधर वाला भी जो सरफेस है वो तो क्यूबॉइड ही है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए हो गया। अच्छा, इधर से जो फील्ड होगी वो बाहर जाती हुई होगी, वो ए एरिया वेक्टर होगी, और इधर से भी ये जो एरिया वेक्टर होगा, और इधर से भी जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर जाता हुआ होगा इस प्लेन से। सो इट इज़ अगेन ए एरिया वेक्टर। यहाँ पर प्रोटॉन रखोगे तो बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड शीट है, तो वो बाहर ही जाएगा, इधर उधर तो नहीं जाएगा। तो दोनों तरफ, चारों तरफ ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही, तो यहाँ पर भी जो फील्ड होगी वो बाहर होगी, और इस साइड भी उधर उधर सेपरेट चार्जेज हैं। यहाँ पर जो आप चार्ज डेंसिटी देख रहे हो वैसी ही चार्ज डेंसिटी पीछे वाली सरफेस पर भी है, तो इसलिए इधर पर अलग चार्जेज हैं, उधर पर अलग। तो वहाँ पर भी अगर आप प्रोटॉन रखोगे तो इधर भगाया जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर भी फील्ड ई होगी। क्यों? क्योंकि दोनों आर डिस्टेंसेस पर हैं। रही बात यहाँ पर, तो ये जो सरफेस है इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, इस सरफेस को 2 नाम दे देता हूँ, और इस सरफेस को 3 नाम दे देता हूँ। तो नेमिंग करने के बाद यहाँ से भी कुछ एरिया वेक्टर होगा, तो
तो ये एरिया वेक्टर क्या होगा, जो भी होगा इसे आप ए डैश कह दें। सो ए डैश एरिया वेक्टर फील्ड के, क्योंकि फील्ड तो इधर जा रही ना, फील्ड तो इधर जा रही है और एरिया वेक्टर चारों तरफ देखोगे तो बाहर बाहर जा रहा है, तो फील्ड के तो परपेंडिकुलर हुआ चारों केस में। जैसे ये सरफेस है ऐसे हर सरफेस पे यही बात होगी, तो यहाँ ये 90 हो गया। तो 90 होने से ये जो हमारा यहाँ पर सरफेस एरिया हो गया इस क्यूबॉइड का, आप लेटरल सरफेस एरिया बोल दें तो उसमें फ्लक्स एसोसिएटेड विद 0 होंगे। हाँ, अगर इस तरीके की कोई भी चार्ज शीट होगी और जो कि थिक होगी, तो ऐसे केस में जो फ्लक्स होंगे वो फ्लक्स इस चार्ज की वजह से इधर भी बाहर और इधर भी बाहर ऐसे होंगे। तो हमको तो हमारे हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, वो कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उन्हीं का पता लगाना है। वास्तव में तो हमें फील्ड पता लगानी है। तो नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, जरा देखें। दैट इज फाइव इज इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। तो ये चीज हो गई 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए, 1 के लिए ले रहा हूँ, ये 1 है ई डॉट ए। अच्छा 2 के लिए लीजिए, ये 2 सरफेस है, तो अगेन ई डॉट ए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी एरिया वेक्टर और फील्ड अलोंग हैं, एक ही तरफ हैं। यहाँ पर भी फील्ड बाहर जाती हुई और एरिया वेक्टर भी क्लोज रीजन के बाहर जाता हुआ, तो थीटा यहाँ भी 0 है और यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री है, जो लिटरल सरफेस एरिया दिया गया। सो इसलिए यहाँ पर ई डॉट ए डैश ऐसा कर दिया। सो दिस इज ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई ए डैश कॉस 90 डिग्री। तो हमने इसमें 90 ले लिया क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 90 लिया। सो दिस इज ई ए प्लस ई ए, क्योंकि कॉस जीरो क्या है, 1 होता है। सो ई ए प्लस 0। और ये जो फाई है, फाई होता है गॉस लॉ के हिसाब से 1 अपॉन एप्साइलन नॉट क्यू, जितना चार्ज हमने कैद कर लिया है अपनी गॉसियन सरफेस पर। तो गॉसियन सरफेस पर आप यहाँ देखें तो इधर की सरफेस पर कितना चार्ज कैद है और उधर की सरफेस पर कितना चार्ज कैद है। इतनी बात हो गई, तो इसको पहले आप कंप्लीट कर लें, 2EA और क्यू बाई एप्साइलन नॉट, और यहाँ लिख लें कि हमने गॉस लॉ लगाया है, तो ये बात हो गई। नाउ एज चार्ज डेंसिटी ऑन ईच सरफेस इज रो, एज चार्ज डेंसिटी ऑन ईच सरफेस, दो सरफेसेज हैं दोनों साइड में, इज रो, ये रो हो गई, कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ये है। तो अब हम ये पता करेंगे कि मान लीजिए इधर पर कुछ चार्जेस हैं जो क्यू डैश हैं, तो पीछे की साइड पे भी क्यू डैश चार्ज होंगे और इसका भी रीजन का एरिया ए ही होगा, ए। तो इस तरीके से जो सिग्मा होगी वो क्यू डैश बाई ए हो जाएगी, या क्यू डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू डैश प्लस क्यू डैश। कंसिडरिंग चार्जेस ऑन बोथ अपोजिट सरफेस, कंसिडरिंग चार्जेस ऑन बोथ अपोजिटली फेज्ड सरफेस,
क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है तो क्यू डैश की वैल्यू सिग्मा ए है, इधर भी सिग्मा ए चार्ज और पीछे वाली सरफेस जो होगी उस पे भी सिग्मा ए चार्ज। सो दिस इज सिग्मा ए और प्लस सिग्मा ए, तो ये तो क्यू हो गया, दैट इज टू सिग्मा ए, तो ये क्यू हो गया। अब ये जो चीज़ें हमने निकाली हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दी जाए। सो पुटिंग इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में डाल दी जाए टू सिग्मा है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसी जगह टू सिग्मा ए डाल देता हूँ। सो टू सिग्मा ए इसमें डाला है और अपॉन एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू टू ई ए, तो ए से ए कटा, टू से टू कटा, और इससे क्या पता चला, ई की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट हो गई, तो ई की वैल्यू ये हो गई। चाहे तो आप वेक्टर लगा देते हैं लेकिन फिर आप उसको यूनिट कैप भी लिखें, दोनों तरफ लगाना पड़ता है। वेयर एन कैप इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड ऑफ द सरफेस, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये लाइन लिखनी जरूरी है, नहीं तो एन कैप को डिफाइन नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। आपने यहाँ ये बात देखी कि ये जो फील्ड है वो अगर इनफाइनेटली लॉन्ग शीट है तो उसमें आर से इंडिपेंडेंट है। मेरा कहने का मतलब है कि आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालो या टू आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालो तो क्या सेम रहेगी, तो इस केस में हाँ वो सेम रहेगी, क्योंकि हमारे जो आंसर में ही आर नहीं आ रहा है, तो आर ही नहीं है कहीं पर, वो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को ले रहा है और एप्साइलन को ले रहा है। ये देख लीजिए, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलन, आर तो आ ही नहीं रहा है, तो इससे थोड़ी दूरी पर फील्ड निकालो, ज़्यादा दूरी पर फील्ड निकालो, कितनी दूरी पर फील्ड निकालो, उस फील्ड की वैल्यू बदलेगी नहीं। तो हमने चार केस देख लिए कि लेंथ वाइज जब हम लेते हैं लॉन्ग वायर तो 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, और इस केस में प्रोपोर्शनल जो है दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल। तो चार केसेस हमने देखे। अब जरा देखें कि फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन फाइनाइट प्लेन थिन शीट, तो अब हम थिन शीट के केस के लिए निकालेंगे। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन फाइनाइट प्लेन थिन शीट, पहले हमने थिक शीट के लिए निकाला है, बुक जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है थिन या थिक के लिए पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से हमको करना है और अगले चैप्टर में भी इसका काम पड़ेगा, इसीलिए हम दोनों केस कर रहे हैं। तो अब जरा देखें कि अगर थिन शीट होगी और वो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होगी, हर तरफ जा रही है ऐसे, सो ये हर तरफ जा रही है, तो इस ये इतनी पतली शीट है कि जो एक प्रोटॉन होगा, या आप ये समझिए सिंगल सेल थिक है, यानी इतनी थिक है जितना थिक एटम होता है, बस उतनी ही थिक मानी गई है, तो उसमें जो इधर का प्रोटॉन होगा वही उधर भी फेस करेगा, दो अलग अलग प्रोटॉन नहीं होंगे, तो वही एटम पॉजिटिवली चार्ज अगर है तो दोनों वो पॉजिटिव चार्ज इधर भी फेस होगा उधर भी फेस, क्योंकि सिंगल एटम थिक है, ये शीट ऐसी शीट है, और हम इससे आर डिस्टेंस पर पता करना चाहते हैं कि फील्ड क्या है, तो मुझे गॉस लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। आर डिस्टेंस पर अगर हम पता करना चाहते हैं तो हम इसमें एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस बनाएं, जो कि इधर से भी आर है और इधर से भी आर है,
ऐसे हमने एक हाइपोथेटिकल बना लिए जो इससे होती हुई गुजरती है। अच्छा, इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, छोटा सिग्मा, स्मॉल सिग्मा, जो यहाँ चार्ज है वो यहाँ चार्ज है। अब डबल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इधर और उधर के चार्जेस अलग अलग नहीं। पहले हमने क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश प्लस क्यू डैश किया था, बट ये केस थिन शीट का है तो थिन शीट में हमें अब अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सरफेस है ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकेंड सरफेस है और ये थर्ड सरफेस है। तो यहाँ पर जो थर्ड सरफेस है इस पर आप ले लें ए डैश वेक्टर, एरिया वेक्टर। अच्छा, बात वही है, थिन हो चाहे जो भी हो, अब आप प्रोटॉन यहाँ रखोगे तो इधर भागेगा, उधर रखोगे उधर भागेगा। तो यहाँ पर एरिया, अगर ये बेस एरिया इसका ए लिया जाए, ये ए है, ये भी दोनों सेम ही है तो ए ही ले लिया जाए, तो ये ए एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखो तो ये भी ए एरिया वेक्टर हो गया। अच्छा, तो इसके बाद क्या किया जाए, अब फील्ड इधर भी है, ये इस साइड है इधर निकलती हुई, और यहाँ की फील्ड इधर निकलती हुई, ऐसे यहाँ पर फील्ड तो इधर जा रही है, तो आप फील्ड ऐसे ले लें इस तरीके से। तो अब हम देखें कि नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या हुआ। नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस अच्छा एक बात, मतलब ये हमने देख ली कि प्रोटॉन यहाँ रखोगे तो इधर भागेगा, इधर रखोगे तो इधर भागेगा। आप ये भी कर सकते हो कि मान लीजिए आप इसमें माइनस भी लगा सकते हो, कहोगे कि भाई आप उधर को भी ई ले रहे हो, इधर को भी ले रहे हो, तो माइनस लगा सकते हो क्योंकि हमारे केस में मैग्नीट्यूड ही लास्ट में आएगा। तो जो पीछे के केस हैं उसमें भी आप चाहो कि सेम है, अगर हमने सेम लिया है तो आप माइनस लगा दें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड लेने में तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो ई और ए ही आएगा, ई डॉट एम ए, बिकॉज दीज आर मॉड्यूलस वैल्यूज। तो अगर आप चाहें तो इधर वाले केस में निगेटिव लगा सकते हैं क्योंकि दो वेक्टर अपोजिट हैं, बट उसका कोई इशू नहीं होगा और वो चीज़ करेक्ट मानी जाएगी, ऐसा किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर देखिए, तो ई ए ऐसे माइनस ई ए डाल दिया, तो नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या होगा, 5(1) प्लस 5(2) प्लस 5(3). यहाँ थीटा 0 है, यहाँ भी दोनों अलोंग है, जिधर ई है उधर ए है, तो यहाँ पर भी थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ थीटा कितना हो गया, 90। सो दिस इज ई डॉट ए, जो भी वेक्टर है ई डॉट ए, 5(1) के केस में 1 है, और दूसरे केस में जो भी हमारे वेक्टर हैं डॉट माइनस ए, ये लगा दिया, और तीसरे केस में ई डॉट ए डैश, ऐसा कर दिया। सो दिस इज ई ए कॉस थीटा या कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री है, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए, तो ई ए वैसे भी मॉडुलस लेना था, तो मॉडुलस लेने में माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो मॉड लेना है। सो ई ए कॉस 0 डिग्री और प्लस ई ए कॉस 90 डिग्री, ऐसे ले लिया। सो दिस इज ई ए प्लस ई ए प्लस 0, और जो फाई है उसको 1 अपॉन एप्साइलन नॉट क्यू लिखा जा सकता है, लेकिन जो सिग्मा है वो क्यू बाई ए है क्योंकि इस पर चार्ज मान ले क्यू है, और ये एरिया तो ए ही है ना, ये एरिया ए है तो इसलिए क्यू बाई ए, तो क्यू क्या हो गया, सिग्मा ए, तो इतना ही हुआ क्यू, क्योंकि दोनों तरफ वही चार्ज फेसिंग है, बहुत पतली शीट है, तो इसलिए क्यू की जगह सिग्मा ए रखते हैं। सिग्मा ए बाई एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू 2ea, तो ए से ए कटा और 2 नीचे चला गया, सो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन
टू एप्साइलन नॉट, ये हो गया। और तो ई ये क्या हो गया, सिग्मा अपॉन टू एप्साइलन नॉट एन कैप, ऐसे हो गया, एन कैप और लगा दिया। वेयर एन कैप इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड टू द प्लेन। वेयर एन कैप इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड टू द प्लेन। इस तरीके से ये हो गया। अच्छा, यही केस आपके में डिस्कस किया गया है जिसमें ये बात कही गई। तो ये आपके में थिन शीट के लिए दिया गया है, तो थिन शीट के लिए आप ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने किया। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि थिन शीट के लिए किस तरीके से हमको करना है, और वही थिक शीट के लिए होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी थिन शीट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और थिक शीट होगी तो जस्ट उसकी डबल हो जाएगी, इंटू टू कर दोगे तो थिक शीट के लिए आएगी। थिक शीट में ज़्यादा फील्ड होती है किसी भी डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस के बढ़ने के साथ वो कम भी नहीं होती क्योंकि आर से ही इंडिपेंडेंट है। सो इससे जो भी फील्ड होगी कहीं पर भी आप लोगे उतनी ही होगी। दो इट इज़ ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन बिकॉज इतना इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड पॉजिटिवली प्लेन हो ही नहीं सकता। जो भी हो, खैर ये फील्ड आई है। नाउ फील्ड, अब हम अलग केस लेते हैं। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब आप ये समझो जैसे कॉस्को की बॉल हो, तो उसकी आउटर सरफेस अलग होती है और इनर सरफेस अलग होती है, उसमें थिकनेस होती है। या रबर की बॉल ले लो जो हवा भरी हो, तो ऐसे केस में उसमें बाहर की अलग सरफेस है और अंदर की अलग है, उसकी कुछ थिकनेस होगी रबर की। तो ऐसे ही शेल होता है। तो हम एक शेल ले लेते हैं और उसमें फील्ड का पता लगाते हैं। नाउ अब जरा देखिए कि एक हमने शेल ले ली है जिसके अंदर एयर भरी हुई है, ऐसे तो शेल होगी तो उसमें कुछ थिकनेस भी होगी। जैसे हम देखते नहीं है कि सी के किनारे शेल्स मिलते हैं तो मोटे मोटे होते हैं शंख सीप, वैसे ये एक स्फेरिकल शेल है, तो ऐसे ही शेल है। सो इसके अंदर एयर है। नाउ हम चाहते हैं कि इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे फील्ड निकाली जाए, तो इसमें एक चार्ज डेंसिटी होगी। चूंकि ये एक तरीके की कंडक्टिंग सरफेस है, तो जितनी भी ये शेल है और एक कंडक्टिंग सरफेस है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें एक चार्ज डेंसिटी प्लस होगी, जो कि जितना दूर हो सकती है यानी आउटर सरफेस पर ही होगी, जितना दूर हो सकती है उतना होगी। तो क्यों ना आउटर सरफेस पर चली जाए, क्योंकि मैक्सिमम सेपरेशन मिनिमम रिपल्सन। तो जैसे हमने पहले कंडक्टिंग प्लेट ली थी वैसे ये ले लिए, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो कि इसकी वजह से जो भी फील्ड होगी, ये एक स्फीयर स्फेरिकल सेल है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, जैसे बॉल में बहुत सारी सुइयां चुभो दी जाएं चारों तरफ से जो कि उसके परपेंडिकुलर हों, ऐसे ही इसमें फील्ड होगी। तो ये जो फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, और हम चाहते हैं कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर फील्ड निकाली जाए, जबकि इस शेल का रेडियस कैपिटल आर है।
तो हम यहाँ भी फील्ड निकालना चाहते हैं, यहाँ भी फील्ड निकालना चाहते हैं, और इसके अलावा बाहर भी निकालना चाहते हैं जो कि आर डिस्टेंस पर हो। आर तो एक जनरल डिस्टेंस हो गई, इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है, और आर इसका रेडियस हो गया। हमें इस पर फील्ड निकालनी है। लेट अस टेक अ कंडक्टिंग शेल शेल यूनिफॉर्मली चार्ज, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें भी सरफेस चार्ज ही डेंसिटी, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है, विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा एंड ऑफ रेडियस आर, ये आप मान ले थिन शेल है, बहुत थिन शेल है तो आर है, या आप ये मान ले आर वन बाहर का है, आर टू अंदर का है, तो आर वन प्लस आर टू बाई आर इज इक्वल्स टू आर, वो ठीक इसके मिड पॉइंट तक जा रहा होगा। वैसे थिन स्फेरिकल सेल है, तो थिन है हमने दिखाया, तो ऐसे ही थिन इसीलिए बोला गया है कि बहुत ही पतली है। दो वी हैव शोन इट लाइक दिस, बट ये थिन स्फेरिकल शेल है। चाहो तो अंदर का ये ना भी बनाओगे तो चलेगा, सिर्फ आप थिन बना लो, तो थिन बनाया गया है। ऐसे ऐसे इसको कलर भी कर सकते हो, बुक कलर कर रही है, तो ये थिन स्फेरिकल शेल है। शेल दिखाने के लिए ऐसा किया गया है, बस और कुछ नहीं। सो थिन स्फेरिकल शेल है, वेरी थिन, तो उसकी थिकनेस में इतना ऐसा नहीं है कि अलग अलग रेडियस हो, लगभग एक माना गया है। तो बुक में थिन लिखा है, तो थिन का मतलब यही होता है। अब जरा देखो, वन एटम, ठीक है, सीधी सी बात, तो रेडियस आर है। अब हमें अलग अलग जगहों पे फील्ड चाहिए। नाउ जब भी किसी शेल के अंदर आपको फील्ड निकालनी है अंदर में, तो आप सबसे पहले फील्ड इनसाइड शेल निकालो। तो पहला केस क्या है, केस वन, फील्ड इनसाइड शेल। अच्छा, फील्ड इनसाइड शेल आप आर पे निकालना चाहते हो, तो आर पे एक गॉसियन सरफेस बना लो, एक स्फीयर बना लो आर पे, ऐसे बना लो, आर पे हम निकालना चाहते हैं इनसाइड शेल। तो अब आर पे हमें बनाना चाहते हैं, तो जरा देखिए इनसाइड शेल, तो इनसाइड शेल में फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस। तो ई एस, क्योंकि अंदर वाली सरफेस ली है ना, गॉसियन सरफेस, तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और कॉस थीटा अंदर, तो मुझे पता नहीं है थीटा कितना है, कॉस थीटा कुछ होगा, क्योंकि अंदर की फील्ड का मुझे मालूम नहीं है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे तो पता चल जाए। अच्छा, फाई क्या होता है, 1 अपॉन एप्साइलन नॉट क्यू। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एस की वैल्यू तो 4 पाई आर स्क्वायर होगी, आप रख दीजिए। अच्छा, चार्ज इसके अंदर कितना है, इसके अंदर तो कुछ भी चार्ज नहीं है, ये अगर सेल अपने लिए, सारा चार्ज तो बाहर ही है। तो जब भी गॉसियन सरफेस बनाते हैं, जैसे आर डिस्टेंस पे आपको निकालनी है फील्ड, तो आर डिस्टेंस पे आपने गॉसियन सरफेस बना दिए, एक स्फीयर बना दिया, लेकिन उसके अंदर तो कुछ भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू 0 रखिए, और अपॉन एप्साइलन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डिग्री, तो ई को यहीं छोड़ दो, और बाकी चीज़ें तो 0 हो ही गई, तो 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डिग्री, सो ये सब 0 हो गया, सो ई इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या पता चला कि फील्ड इनसाइड स्फेरिकल चार्ज शेल इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल चार्ज शेल इज 0। सो फील्ड इनसाइड स्फेरिकल
ऐसा किस वजह से हुआ? इज 0। तो हमने गॉस लॉ से कर लिया, देखा उसमें कोई चार्ज ही इंटरप्ट नहीं था तो चार्ज को 0 रखा, और चार्ज इसके अंदर कुछ नहीं था तो 0 रख दिया। बाकी सब कुछ फार्मूला लगाया, फैराडे का भी लगा दिया, सब वैल्यू रख दी और सब इधर आके सब कुछ 0 हो गया। तो इस तरीके से ये तो हो गई फील्ड। अब हम देखें कि फील्ड आउटसाइड द सेल, सेकंड केस, फील्ड आउटसाइड शेल, तो ये निकालना चाहते हैं। अगर आप आउटसाइड शेल निकालना चाहते हो तो इसमें जिस रेडियस पर आप आउटसाइड निकालना चाहते हो तो वहां से एक स्फीयर बना लो, इसके चारों एक स्फीयर बना लीजिए आर पे। तो फील्ड आउटसाइड शेल के लिए तो फाई क्या लिखोगे? ई डॉट एस। अच्छा, ये जो भी है आउटसाइड शेल में, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो उससे जो भी फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, कहीं पर भी, चारों तरफ, हर तरफ। और उस पर अगर सरफेस एरिया का वेक्टर लोगे, एरिया वेक्टर, तो भी बाहर जाता हुआ ही होगा। तो एरिया वेक्टर मान लो, कहीं मान लें तो हर तरफ वो बाहर है, और ये भी, तो इस केस में जो थीटा होगा वो 0 होगा। सरफेस एरिया और फील्ड का वेक्टर के बीच में एंगल हर जगह 0 होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी बाहर जाता हुआ और फील्ड भी बाहर जाती हुई, दोनों तो रेडियली आउटवर्ड हैं। तो हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर और फील्ड अलोंग होंगे। सो दिस इज ई डॉट एस। सो इन दिस केस एट एवरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ सरफेस, एरिया वेक्टर इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बोथ आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम स्फेरिकल शेल एंड बोथ आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम स्फेरिकल शेल। दोनों बाहर जाते हुए होंगे, तो इसलिए जो फाई होगा वो ई एस कॉस 0 डिग्री होगा, क्योंकि ऑल अलॉन्ग है, तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। सो फाई क्या होगा? ई इंटू 4 पाई r² इंटू 1। लेकिन फाई खुद क्या होता है? क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, ये गॉस लॉ है, इज इक्वल्स टू ई 4 पाई r² ये क्यू है। अब जरा देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होगी? अगर इस पर कुछ चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? नाउ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लें, 4 पाई एप्साइलन नॉट इधर कर दें, 4 पाई r² तो 1 अपॉन 4 पाई और एप्साइलन नॉट, क्यू को क्यू ही रहने दें और अपॉन r², तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अच्छा, क्यू निकाला जा सकता है, क्यू चाहे तो सिग्मा कुछ नहीं है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई R² है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मान लो इस पर ये कैपिटल आर ही तो लिया जाएगा, सारा चार्ज मान लो इस पे क्यू है, और इसकी सरफेस एरिया क्या है? रेडियस तो आर है, तो बोलो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? 4 पाई R², तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। ऐसा अगर हम कर देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, वो है। तो ऐसे आप चाहें तो निकाल सकते हैं। सो दिस इज फील्ड आउटसाइड द सेल। यहाँ पर क्यू कभी भी निकाला जा सकता है, वरना जो भी वैल्यू हो वो रख दीजिए, इसी से निकाल के यहाँ रख दीजिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी?
अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एन कैप, वेयर एन कैप इज ए वेक्टर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल से बाहर आता हुआ है ये। तो इस तरीके से हमने बाहर में फील्ड निकाल ली, और क्यू तो कांस्टेंट है, तो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये वही चीज़ हो गई कि ये कौन सा फार्मूला हो गया। ज़रा इस फार्मूले को ध्यान से देखें, अगर क्यू चार्ज सेंटर पर होता और तब मैं आर डिस्टेंस पर फील्ड निकालता, तो क्या वो फील्ड यही ना आती? तो हाँ यही आती। तो शेल में निकाला तो भी वही आई, यहां निकाला तो भी वही आई। इससे क्या पता चलता है? दिस इंप्लाइज दैट द चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल कैन बी कंसीडर्ड सेंट्रलाइज्ड एट इट्स सेंटर या कंसेंट्रेटेड एट सेंटर। जैसे हम मास के केस में देखते हैं कि सारा मास किसी भी स्फीयर में ऐसा माना जाता है जैसे कि उसके केंद्र पर ही संकेंद्रित हो, कंसंट्रेटेड हो। सो इन द सिमिलर वे यहाँ जो हमारा फार्मूला है वो बता रहा है कि दिस कंक्लूड्स दैट इन केस ऑफ स्फेरिकल चार्ज सेल द टोटल चार्ज कैन बी कंसीडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर एंड वाट एवर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल। तो जो ऐसे केस में जो फील्ड आएगी वही शेल के केस में आ जाएगी, फिर निकालते रहो, यही चीज कही गई। सो दिस कंक्लूड्स, इससे क्या कंक्लूड होता है? दिस कंक्लूड्स दैट टोटल चार्ज एट स्फेरिकल सेल कैन बी कंसंट्रेटेड कंसीडर्ड एज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड ऑन दैट बेसिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड ऑन दैट बेसिस। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि जो शेल है उसके अंदर फील्ड जीरो होगी, बाहर के केस के लिए ये सुविधा है, ये केस टू के लिए। जैसे कि कूलम्ब ने 10,000 कूल मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड लगा दी, बहुत चार्जेस, और फिर इसके अंदर खड़े हो गए। उनको ये बात मालूम था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है ही नहीं, तो उनको कोई डेंजर था ही नहीं, तो अंदर खड़े हो गए, आराम से घूमते फिरते रहे बहुत बड़े स्फीयर में, और उन्होंने ये दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और उनको शॉक नहीं लगेगा। तो वो बात सही साबित हुई कि कोई बहुत बड़े चार्ज स्फीयर के अंदर अगर कोई चार्ज स्फीयर है, तो जैसा हमने केस वन दिखाया था, चाहे वो कितना भी चार्ज क्यों ना हो, सारी धरती का चार्ज क्यों ना ले ले, इसके अंदर फील्ड होती ही नहीं है। और फील्ड नहीं होती तो प्लस चार्ज क्यू चार्ज अगर आप ले लो एक अपने हाथ में और घुमाते रहो, कुछ आपको काम ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड ना होती तो आप 4 किलो आलू ले जाओ, 5 किलो आलू ले जाओ, आपको कुछ वेट ही नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेट ही नहीं होगा उसमें, फोर्स ही नहीं होगा डाउनवर्ड, फील्ड ही नहीं होगी, तो आपको कोई कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस रीजन में कोई फील्ड नहीं है इस शेल के अंदर, तो इसमें आप चाहे चार्ज को कितना भी घुमाते रहो आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चल गई कि चार्ज शेल के अंदर की फील्ड अगर वो इनक्लोज्ड है
तो उसके अंदर की फील्ड जीरो होती है। सो केस वन कंक्लूड्स दैट फॉर एनी शेप, ये तो मैंने बताया आपको कि स्फेरिकल है, लेकिन किसी भी के जनरलाइज भी किया जा सकता है। सो केस वन है कि इनसाइड वाला कंक्लूड्स दैट फील्ड इनसाइड एनी क्लोज्ड चार्ज सरफेस या चार्ज्ड रीजन इज जीरो, ये चीज है, उसके अंदर की फील्ड जीरो है। सो नो वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। सो नो वर्क, फील्ड भी तो फोर्स ही होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। जब फोर्स ही नहीं है कहीं पर, यानी बैलेंस फोर्स है, एफ जीरो हो गया, तो घुमाते रहिए कहीं पर भी। सो नो वर्क इज डन टू मूव एनी चार्ज इनसाइड दिस रीजन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ से आया हुआ, इसको काफ़ी आगे इस्तेमाल किया जाएगा चैप्टर टू में, तो ये आप ध्यान रखिए, बड़ी बात कह रहा हूँ। अब जरा देखें केस 3, केस 3 क्या है कि फील्ड एट सरफेस। सो फील्ड एट सरफेस, तो सरफेस पे क्या फील्ड होगी, अब जरा देखें। तो ये जो हमारा शेल है, सो इसी शेल में ये चार्ज है, और हमें सरफेस पर चाहिए, आप ये जान लीजिए सरफेस के जस्ट आउटसाइड चाहिए। एक गॉसियन सरफेस ऐसी ले लो, ये कैपिटल आर है, जस्ट आउटसाइड एक सरफेस आप ड्रॉ कर लो, बहुत पतली सी, जो आर ही माना जाए, तो ये सारे चार्ज उसके अंदर कैद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने कर ली। अच्छा, इस पर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, ड्रॉ अ स्फीयर जस्ट आउटसाइड स्फेरिकल सेल, एनवेलपिंग ऑल चार्जेस। ठीक है, तो ऐसे केस में जो इस पर फ्लक्स होगा वो ई डॉट एस होगा, फैराडे के लॉ के हिसाब से, और फील्ड भी आउटवर्ड जाती हुई होगी और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड जाता हुआ होगा हर पॉइंट पर। फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर ऑल अलोंग थ्रू आउट द सरफेस। फील्ड एंड एरिया वेक्टर्स आर ऑल अलोंग थ्रू आउट सरफेस। सो फाई इज इक्वल्स टू ई एस कॉस 0 डिग्री। फाई क्या होता है, क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, ये है गॉस लॉ, 1 अपॉन एप्साइलन नॉट ऑफ द चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने बिल्कुल इसी से बाहर जाते हुए लिए, तो वो भी आर ही माना जाएगा, इंटू 1। तो इस तरीके से ई क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट और q/r² ये हो गया, या ई क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट q/, ये हमने गलत लिख दिया, कैपिटल आर लिया जाए, कैपिटल आर है तो यहाँ कैपिटल आर, q/r² और एन कैप, वेयर एन कैप इज ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर
रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सरफेस पर है। अच्छा, सरफेस के बाहर जाएंगे तो आर बढ़ता चला जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बदलती चली जाएगी। जैसे जैसे आप सरफेस के बाहर जाएंगे तो आर बढ़ता चला जाएगा। बढ़ने से क्या होगा? बढ़ने से फील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि आपका फार्मूला क्या है कि किसी भी पॉइंट पर दैट इज़ 1/r². ये देखिए, सो 1/r² तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आप शेल के बाहर चले गए तो फील्ड कम होती गई। तो मैक्सिमम फील्ड कहाँ है? मैक्सिमम फील्ड सरफेस पर है, क्योंकि आर की वैल्यू हमेशा कम होगी स्मॉल आर से। ये वेयर आर इज, जहाँ पर ये आर आउटसाइड द सेल है, वेयर आर इज आउटसाइड सेल। तो ऐसे केस में जब आर कम होगा तो फील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा तो फील्ड बड़ी, डिनोमिनेटर बड़ा तो फील्ड छोटी। ये देख लो, डिनोमिनेटर बड़ा तो फील्ड छोटी। यदि ऐसी बात है तो बुक एक ग्राफ बनाती है। रेफरेंस बुक्स में वो ग्राफ दिया है, आपकी बुक में नहीं दिया है। तो एक शेल के केस में फील्ड का क्या ग्राफ है?